राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को होंगे चुनाव। भारत चुनाव आयोग का ऐलान, 10 जून को 57 राज्यसभा सीटों के लिए होंगे चुनाव। आंध्र 4, तेलंगाना 2, छत्तीसगढ़ 2, मध्य प्रदेश 3, तमिलनाडु 6, कर्नाटक 4, ओडिशा 3, महाराष्ट्र 6, पंजाब 2, राजस्थान 4, यूपी 11, यूके 1, बिहार 5, झारखंड 2, हरियाणा 2 सीटों पर होंगे राज्यसभा चुनाव। भारत फिर कर सकता है पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान में हुक्मरान भले ही बदल गए हों, परंतु उनकी नीतियां जस की तस हैं। खिचड़ी सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति रबर स्टैम्प जैसी है। शाहनवाज शरीफ के नियंत्रण में ना तो आर्मी है ना ही देश। ऐसी हालातों में आतंकी ग्रोहों को मनमर्जी करने की छूट मिल चुकी है। ये आतंकी जनरल बाजवा के विरुद्ध फैज हामिद की शह पर कश्मीर और पंजाब में आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में है। पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति के कारण आतंकियों के हौसले बढ़े हुए हैं। भारत फिर उठा सकता है सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम। ताजमहल पर दाखिल याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका की खारिज। कोर्ट ने कहा, ताजमहल किसने बनवाया ये पता करना हमारा काम नहीं। ये कोर्ट कैसे तय करेगा किसने बनवाया ताजमहल। याचिका का मूल स्वरूप ही गलत है। याचिका में गलत तथ्यों और तर्कों का सहारा लिया गया है। पूरी याचिका ही गैर न्यायिक है। चारधाम यात्रा में हृदय गति रुकने से 26 लोगों की मौत। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 3 और श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने से हुई मौत। इनमें से एक श्रद्धालु की मौत पंचम केदार कल्पेश्वर धाम में हुई। उधर केदारनाथ धाम में भी गुजरात के एक श्रद्धालु ने हृदय गति रुकने से दम तोड़ दिया। इसी के साथ चारों धाम यात्रा में हृदय गति रुकने से मरने वालों की संख्या अब 26 तक पहुँच चुकी है। राजीव कुमार होंगे देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिली जिम्मेदारी। 15 मई को संभालेंगे कार्यभार। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में राजीव कुमार कराएंगे विधानसभा चुनाव। होटल ग्रैंड गिरने से आसपास के घरों की जमीन धंसी। अमृतसर जिले के गुरविंदर सागर लिबर्टी मार्केट में ग्रैंड होटल गिरने के कारण लोगों के घरों में दरारें पड़ गईं। कॉलोनी के घर की जमीन नीचे धंस गई हैं। लोगों का आरोप है कि होटल की दीवार को जानबूझकर गिराया गया है। इससे लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि ऐसे में जान का भी नुकसान हो सकता था। फिलहाल किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। पोर्नोग्राफी वीडियो शेयर करने वाला छात्र अरेस्ट। राजस्थान के अजमेर जिले में रामगंज थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। यह आरोपी रामगंज क्षेत्र का ही रहने वाला है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। शरद पवार ने की इमरान खान की तारीफ। पुणे के कोंदवा में ईद मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि पाकिस्तान के एक युवा नेता ने देश को राह दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे सत्ता से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा, आम पाकिस्तानी नागरिक भारत के दुश्मन नहीं है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर बात की। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की। देश की सबसे बड़ी विधानसभा बनी पेपरलेस विधानसभा। 23 मई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा ई विधानसभा लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले पिछले साल 25 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद में ई सदन का उद्घाटन किया था। नागालैंड ने इसी साल 22 मार्च को देश की पहली पेपरलेस विधानसभा शुरू की। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश ऐसा तीसरा राज्य है जहां ई विधान लागू किया जाएगा। हालांकि विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में यह दूसरा राज्य है। जम्मू कश्मीर में व्हाट्सएप टारगेट किलिंग। आतंकियों ने तहसील कर्मचारी ऑफिस के अंदर घुसकर मारी गोली। घायल अवस्था में उन्हें श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। राहुल बट्टे कश्मीरी पंडित थे। इस हमले की जिम्मेदारी जैश से संबंधित आतंकी संगठन कश्मीरी टाइगर ने ली है।
जनरल मनोज पांडे लद्दाख के 3 दिवसीय यात्रा पर 3 दिवसीय दौरे पर लद्दाख में हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे यात्रा के पहले दिन गुरुवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत की सैन्य तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। पिछले 2 सालों से गलवान घाटी को लेकर चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की इस यात्रा का विशेष महत्व है। सेना द्वारा जारी बयान में बताया गया कि जनरल पांडे इस दौरान सबसे कठिन और दुर्गम इलाके LAC पर तैनात सैनिकों के साथ भी बातचीत करेंगे। ज्ञानवापी मामले से नहीं हटाए जाएंगे अजय मिश्र। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र नहीं हटाए जाएंगे। कोर्ट ने 2 और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा। राजकोट में युवक की सड़क पर पीट पीट कर हुई हत्या। हैदराबाद जैसा ही मामला अब गुजरात के राजकोट से सामने आया है। यहां 22 वर्षीय मिथुन ठाकुर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसका भी दोष यही था कि उसने 18 साल की सुमैया कादिवार से प्यार किया था। शिवसेना के विधायक रमेश लटके का दुबई में निधन। शिवसेना विधायक रमेश लटके का बुधवार रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे अपने परिवार के साथ दुबई में थे। 52 वर्ष के रमेश लटके मुंबई में अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उनके निधन के बाद शिवसेना में शोक की लहर दौड़ गई है। UPSIDC के पूर्व प्रबंधक श्री कृष्ण त्रिपाठी गिरफ्तार। 5 करोड़ रुपए के क्लोरीन टैबलेट आपूर्ति गमन मामले में UPSIDC के पूर्व प्रबंधक श्री कृष्ण त्रिपाठी को UP पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने किया अरेस्ट। श्री कृष्ण त्रिपाठी को लखनऊ से किया गया गिरफ्तार। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम अमेरिका में आयोजित। आजादी के अमृत महोत्सव में 15 से अधिक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद हुए शामिल। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए भारतीय अमेरिकियों द्वारा वॉशिंगटन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई क्षेत्रों के सैकड़ों भारतीय अमेरिकियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांसद राजा कृष्ण मूर्ति ने समुदाय के नेताओं से अपील की कि वे अमेरिकी संसद व अन्य निर्वाचित निकायों में भारतीय अमेरिकियों को चुने जाने में मदद करें। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 100 रुपए पार कर गई पाकिस्तानी करेंसी। पाकिस्तानी रुपया इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 100 रुपए से ज्यादा नीचे पहुंच चुका है। इससे पहले कभी भी पाकिस्तानी करेंसी इतनी तेजी से नीचे नहीं गिरी थी। राष्ट्र की आर्थिक सेहत का पैमाना शेयर बाजार हजारों अंक नीचे गिरकर धराशायी हो चुका है। पाकिस्तान को आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका की स्थिति देखकर संभलने की जरूरत है। कराची में जबरदस्त बम धमाका। पाकिस्तान के कराची में देर रात जबरदस्त धमाके से मची अफरा तफरी। पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट मैदान में हुआ था। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से खाक हो गईं। इस बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 13 लोग जख्मी हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में पहुँचाया गया है। तालिबान कर रहा है मानवाधिकारों का हनन। तालिबानी राज ने अफगानिस्तान की तस्वीर बदल दी है। वहाँ की महिलाएं तमाम प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। महिलाओं को रेस्टोरेंट जाने, पुरुषों के साथ पार्कों में जाने, यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने पर भी रोक लगा दी गई है। उन्हें अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए कहा गया है। महिलाओं को बगैर पुरुषों के टैक्सी में बैठने, स्कूली छात्राओं को पुरुष सहपाठी के साथ तस्वीर खिंचवाने की सजा दी गई है। उन्हें बगैर मुकदमा चलाए जेलों में बंद कर दिया गया है। तालिबान मानव अधिकारों का खुले हनन कर रहा है, अपने वायदे से पूरी तरह मुकर रहा है, जिसमें उसने अपने पिछले कार्यकाल की तुलना में उदारता से शासन करने की बात कही थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।